दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। क्या दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा? रूस और यूक्रेन के पास कितने परमाणु हथियार हैं? यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस को अलर्ट जारी किया है। ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे पहले ऐसा वर्ष 1962 के क्यूबा संघर्ष के दौरान हुआ था, जब क्यूबा में अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे। किसके पास कितने परमाणु हथियार? न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स किसी भी देश में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली एक फोर्स होती है। जब कोई देश अपनी इन फोर्सेस को अलर्ट जारी करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश अपनी आत्मरक्षा और बचाव के लिए अपने परमाणु हथियारों को तैयार रखने के लिए कह रहा होता है। पूरी दुनिया में केवल 9 देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। इन देशों में भी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस ही है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,255 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5,800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। एक जमाने में यूक्रेन भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर थी, लेकिन 1990 के दशक में उसने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर लिया था। इसलिए आज रूस तो यूक्रेन को अपने परमाणु हथियारों की धमकी से डरा सकता है, लेकिन यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है ही नहीं। परमाणु हथियारों को लेकर नीति। यहाँ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारत और चीन की परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जिसका मतलब ये है कि ये देश अपनी तरफ से पहले परमाणु हमला ना करने की नीति अपनाते हैं, जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देश इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश दूसरे देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकते हैं और इन्हें खतरनाक मानते हैं। वो खुद इन परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानते। रूस ने पिछले वर्ष ही इस संबंध में एक नई नीति बनाई थी, जो ये कहती है कि अगर रूस को लगता है कि उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा।